जब दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, उस समय पर हमको जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस जगह पर हमें जाना पड़ता है। जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, तब हम अपने घर की जो रकम होती है, सोना होता है, अपने घर की चांदी होती है, अपने घर के बर्तन होते हैं, अपने घर का जो सोना है, चांदी है, रकम है, इसको हम दुख की घड़ी में, तकलीफ के समय पर, कष्ट के समय पर, इसको हम सुनार की दुकान पर ले जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जब दुख आया, जब तकलीफ आई, जब कष्ट आया, जब दिक्कत आई, तकलीफ आई, तो हम घर के सोने को बनिए की दुकान पर, सुनार की दुकान पर, सराफा की दुकान पर ले जाते हैं और कहते हैं भैया ये रख लो, मेरा दुख की घड़ी है, मेरे समय तकलीफ का है, कष्ट है, थोड़ी तकलीफ चल रही है, थोड़ा दुख चल रहा है, थोड़ा कष्ट चल रहा है, थोड़ी तकलीफ की घड़ी है, इसलिए इसको तुम रख लो और रख कर मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो जिससे मैं अपना कर्जा चुका लूं, जिससे मैं अपना कष्ट मिटा लूं। बोलो सही। रखा हुआ सोना, चांदी, बर्तन हम बनिए की दुकान पर ले गए, हम सुनार की दुकान पर ले गए। सोने को, चांदी को, बर्तन को हम सुनार की दुकान पर इसलिए ले गए क्योंकि दुख की घड़ी चल रही थी, तो हमारा दुख मिट गया। थोड़ा सा कर्जा हो गया है, दे देंगे, पैसा जाएगा, हम अपना दुख मिटा लेंगे। जैसे दुख की घड़ी में घर का जेवर, घर का सोना चांदी सुनार की दुकान पर चला जाता है और सुनार जो धन देता है वो कहता भी है ये तो भाभी के गले का हार, ये तो भाभी के गले हाथ की चूड़ियां और तुम इसको यहाँ लिया, क्या करूं अब, दुख की घड़ी है, तकलीफ है, कर्जा बढ़ गया है, कष्ट आ गया है, रोग आ गया है, बीमारी आ गई है, दुख आ गया है, तो दुख को मिटाने के लिए ये रकम तुम रख लो और तुम रख कर हमको थोड़ा सा पैसा दे दो जिससे हमारा दुख कट जाए, हमारा कष्ट कट जाए। जैसे दुख की घड़ी में सुनार की दुकान पर जाते हो और अपने घर का धन देकर, जेवर देकर, उससे थोड़ा सा लेकर आते हो, उसी तरह दुख की घड़ी में जैसे सुनार याद आता है, बनिया याद आता है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम बनिए की दुकान पर सोना लेकर जाना और दुख की घड़ी में मेरे महादेव के पास दिल लेकर जाना। मेरे महादेव को तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारे चांदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को केवल दुख की घड़ी में जितना बन सके देवाधिदेव महादेव के पास एक लोटा जल लेकर पहुंच जाओ, एक चावल का दाना लेकर पहुंच जाओ। एक बेटी ने प्रश्न किया है कि गुरु जी शिव जी को चढ़ाने के लिए क्या बासमती चावल जरूरी है? प्रश्न ये प्रश्न छत्तीसगढ़ के कर सकते पक्का है। प्रेम लता सिंह पति वीरेंद्र सिंह बालोदा बाजार
पुत्र प्रत्युंशा सिंह हमारी तरफ से आपके श्री चरणों को नमन करते हैं, रोज कथा सुनते हैं और रोज बाबा के मंदिर जाते हैं, आपकी कृपा बनी हुई है। एक प्रश्न महाराज जी, बासमती चावल के अलावा कोई दूसरा चावल भी क्या हम शंकर जी को चढ़ा सकते हैं? तो पहले तो जी जी जहां भी बैठी है नमन करता हूँ और पूछना चाहूंगा कि कौन से महाराज ने बताया कि बासमती चावल ही चढ़ाना है? जहां भी बैठी हैं हमारी बहन है और बहुत अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने, पूर्ण विश्व के कल्याण का प्रश्न। आज लोगों ने भगवान शंकर की पूजन को या देवताओं की पूजन को महंगा करना चालू कर दिया, पर मेरे देवाधि देव की पूजन में कुछ महंगा नहीं है, उसको तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। उसके पास में ये जरूरी नहीं कि तुम बासमती चावल चढ़ाओ या बहुत सारा भगवान को बहुत मेवा दीजिए या भगवान को बहुत सारा धन दीजिए। भगवान कमी नहीं करता कि मुझे बासमती चावल चढ़ाओ। जब शंकर जी थे उस समय पर बासमती चावल था, शंकर जी ने कभी पार्वती जी से बोला कि मेरे लिए बासमती चावल बना, मैं बासमती खाऊंगा? नहीं, ये भ्रम है। हमको लोग भटका देते हैं थोड़ा सा धन और वैभव के चक्कर में, ये सोचते हैं कि बासमती चावल अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो हमको भी खाने को मिलेगा, ये इसमें श्रेष्ठता नहीं है। अक्षत होता है चावल, चावल होता है उस चावल का नाम कुछ नहीं है, उस चावल का नाम केवल अक्षत है और वो अक्षत मेरे देवाधिदेव महाराज। अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है ये भी एक बार समझ लें, अर्थात हमने अगर जल चढ़ाया है, हमने अगर बेलपत्री चढ़ाई है, हमने अगर फूल चढ़ाया है, हमने अगर प्रणाम करा है, हमने अगर आपको नमन करा है, तो हमारा करा गया दान, हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया सत्कर्म अमर हो जाए, अक्षय हो जाए, वो कभी क्षय नहीं, इसलिए उसका नाम अक्षत। वो कभी समाप्त ना हो। और पूरी दुनिया में दान करके देखिए, सारे व्रत कर देखिए, सारे उपास कर देखिए, चतुर्थी का व्रत कर लो, तीज का व्रत कर लो, पंचमी का कर लो, छठ का कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, तुम्हारा मन पड़े उतना दान करो, तुम्हारा मन पड़े उतना देव, तुम्हारा मन पड़े उतना दे दीजिए, मना नहीं है। सारी दुनिया में करा गया दान, सारे करे गए व्रत, पुण्य इन व्रत का पुण्य, इन दान का पुण्य जो हमारे पास में है, हो सकता है हमारे मरते मरते तक पुण्य हमारा समाप्त हो जाए। हमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पाप हो गया, हमने गलत बोल दिया, पाप हो गया, हमने गलत सुन दिया, पाप हो गया। हो सकता है कि हमने जो पुण्य इकट्ठा करा था वो धीरे 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 समाप्त हो जाए, पर शिव महापुराण में किया गया दान, शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक अक्षत, एक लोटा जल, या शंकर के अनुमोदन में, या शिव तत्व में, या शंकर का नाम लेकर कोई व्रत करा है, शिव का नाम लेकर कोई दान करा है, शंकर का नाम लेकर कोई पुण्य करा है, तो वो कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर, वो कभी समाप्त नहीं होता। सारे पुण्य मरते समय तक समाप्त हो सकते हैं। जैसे आपके पास में 10,000 रुपए हैं, अब आपके पास में 10,000 रुपए हैं, तो आपने वो 10,000 रुपए में गैस की टंकी भी खरीद ली, लाइट का बिल भी दे दिया, खाने का सामान भी लिया है, डीजल का पेट्रोल का भी लगा दिया, अब तुम्हारे पास में वो 10,000 रुपए जो रखे थे वो तो सारे के सारे खत्म हो गए, कहीं जा रहे थे वो 10,000 रुपए तुम्हारे समाप्त हो गए,
ध्यान देना, हमने व्रत करा 2000 कमाए, हमने तप करा 2000 कमाए, हमने पुण्य समझ लो, व्रत कर कर, तप कर कर, साधना कर कर, दान कर कर, भजन कर कर, कथा सुन कर कर, कीर्तन कर कर, हमने पुण्य तो इकट्ठा कर लिया, पर हो सकता है कि मरते समय तक हमारा सारा पुण्य धीरे 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 करके समाप्त हो जाए। पर शिव महापुराण का पुण्य जो आप शंकर भगवान की पावन कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हो, जितना आप आनंद के साथ इस कथा को श्रवण कर रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे तुम्हारा मन पड़े जहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, ये लिख कर रख लेना, ये पुण्य तुम्हारा जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होता, ये अजर और अमर, ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये निश्चित अच्छा वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कितना सुंदर शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति का केवल मुख का दर्शन कर लेते हैं तो हमारे जिंदगी के करे हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल मुख का दर्शन। केवल मुखारविंद का दर्शन करने वाले, दुख की घड़ी में घर का सोना, दुख की घड़ी में तकलीफ के समय पर घर की चांदी, घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम किसी के दरवाजे पर हाथ पैर जोड़ने मत जाओ। दुख की घड़ी आए तो जैसे घर का सोना सुनार के पास जाता है, ऐसे दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के पास जाओ और उसे दिल से कहो, वो दिल से सुने, कहो उसको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको, दया करी ने दर्शन आपको। घर का सोना दुख के समय पर सुनार के आ जाता है, जब दुख की घड़ी आए कहीं जाओ मत जाओ पर मेरे महादेव के पास दो क्षण एक पल एक घड़ी जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे कि शंकर जी की कथा में जाने से मिलता क्या है, कुछ मिले चाहे ना मिले पर इस दिल को सुकून बहुत मिलता है, कुछ मिले ना मिले सुकून मिलता। कितनी दूर दूर से आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हो, ना जाने कहां कहां से यहां पहुंचे हो। ठंड कड़ाके की पड़ रही है, एक एक कम्बल ओढ़ ओढ़ के रात भर दो तीन बजे तक भजन करना, दो घंटे की नींद ले लेना और फिर सुबह से उठकर बैठ कर फिर भगवान की भक्ति में दम जाना। तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई साधु कोई सन्यासी कोई तपस्वी नहीं। कोई साधु नहीं है तुम्हारे बराबर, कोई संत नहीं है तुम्हारे बराबर। एक पत्र आया है, थोड़ा सा समिति वालों को जरूर बुरा लगेगा, लग जाए जहां की कथा हम जहीं छोड़कर जाते हैं, इसलिए बोलने में पीछे हटते नहीं है। वैसे सीवर वाला महाराज बेकार है और बेकार है। पत्र में लिखा है, मैं टीवी वालों से भी कहूंगा इस पत्र को जरूर आप बताना, निशुल्क की चाय नहीं चाहिए, निशुल्क का नाश्ता भोजन नहीं चाहिए,
निशुल्क का भोजन भी नहीं चाहिए, हमें केवल पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा चाहिए। बहुत दूर से आते हैं केवल इस शंकर को पाने के लिए, और पूरे पंडाल में अगर वीआईपी बैठ जाएं तो हम कहां जाएं, आप बता दें। हमें नहीं चाहिए निशुल्क का भोजन, नहीं चाहिए निशुल्क की चाय, नहीं चाहिए निशुल्क का नाश्ता, हमें केवल शंकर चाहिए और आपकी कथा चाहिए। केवल इसके लिए आए हैं, भूखे रह जाएंगे पर कथा दिल से सुन। अब मेरा थोड़ा सा इस व्यासपीठ से समिति से भी निवेदन है, जो कार्यकर्ता है उनसे भी निवेदन है, बहुत दिल में इनके ठंड में कड़ाके में आपके घर के जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, अपने घर की माता को, अपने घर के पिता को इतनी कड़क की ठंड में यहाँ लाकर पटक कर देखो एक बार, उनको यहाँ लाकर रखिए, और इतनी कड़ाके की ठंड में जितना ठंडा पानी हो तो ठंडे पानी में निलाओ। और फिर कहो कि शिव महापुराण की कथा सुनो, कथा में भगवत भजन का बल होना चाहिए, भगवत भक्ति का बल होना चाहिए, भगवत स्मरण का बल होना चाहिए। और जब यह भजन का बल बढ़ता है तब सुख अपने आप मिलता है। दो तरह की लाइन लगती है महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, सुन लेना जरा अच्छे से। तिरुपति के दर्शन के लिए दो तरह की लाइन लगती है ना, तुम जहां दर्शन करने जाओगे वहां दो तरह की लाइन लगेगी, एक धर्म के धक्के लाइन लगाओ चलते जाओ, और एक 500 रुपए जमा करो टिकट लो, 200 रुपए जमा करो टिकट लो फिर महाकाल का दर्शन करो, एक वो लाइन। अब तुम दिल से बोलना रहे छत्तीसगढ़ वालों, किस लाइन का फल अधिक मिलेगा? जो धर्म के धक्के खाकर गया है, मतलब अभी तक हमने भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों के धक्के खाते भगवान के सामने जब पहुंचे हैं तो भगवान ने कह दिया, महाकाल राजा ने, कि तूने मेरे दरवाजे पर धक्का खा लिया, कहीं नहीं खाएगा, ये निश्चित है। अब तू वो धक्का कहीं नहीं खाएगा, अब तूने मेरे दरवाजे का धक्का खा लिया, मेरा महाकाल बाबा, मेरा महाकाल राजा, अब तू मेरे दरवाजे पर धक्का खाते खाते आ गया। कल 5 तारीख को सीहोर में जो मेडिकल की रिपोर्ट देखकर भी रुद्राक्ष देते हैं वो कल से सुबह से बंद हो जाएंगे, तो आज 2 लाख से लोग ऊपर सीहोर पहुंच गए। अब सीहोर के लोग आते टेंशन में पड़े हुए कि ये हो क्या, अच्छा ऐसी उम्मीद तो हमको भी नहीं थी कि तुम यहां से माइक से निकलेगा और तुम वहां पहुंच जाओगे, ये तो हमको मालूम होता तो हम 4 तारीख ही बोल देते क्या कल ही से बन। और यहां जितनी ठंड पड़ रही है इससे 4 गुना ज्यादा ठंड सीहोर पड़ रही है, 4 डिग्री टेम्परेचर है यहां से ज्यादा ठंड पड़ रही है, उसके बाद भी आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल है कि आप भक्ति के बल पर करो विश्वास शिव पर। दुख की घड़ी में सोना जाए सुनार की दुकान पर, दुख की घड़ी में घर का जेवर दुकान जाता है दुकान पर, दुख की घड़ी में तुम सोना भले लेकर मत जाना, चांदी भले लेकर मत जाना, बासमती चावल भले मत लेकर जाना, दुख की घड़ी में ये दिल लेकर मेरे महादेव के पास चले जाना, वो समझ केवल दिल, केवल विश्वास, केवल भरोसा, दृढ़ विश्वास। आग लगे आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे, ये उसकी कृपा से हम जीवित हैं, उसकी कृपा से हम बचे हुए। और विश्वास की दृढ़ता होती है, विश्वास का जब बल बढ़ता है दृढ़ता बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, जब भगवान के चरणों की भक्ति बढ़ती है तब जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक माता ने पत्र में लिखा है कि मेरे यहाँ जो काम करती है भाई, उसको गठान हो गई थी चेस्ट में और हो गई थी। जिसने लिखा है वो बालोदा बाजार की कोई माता है, मैं कहूंगा एक बार कहीं बैठी हो तो खड़ी खड़ी देखिए। जिसने पत्र लिखा है
शंभु जिन्होंने लिखा है वो खड़ी हो जाए अगर बैठी हो कि हमारे यहाँ कोई एक कार्य करती है भाई और उनको चेस्ट में कठान हो गई और हॉस्पिटल में भी दिखाया दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाया फिर बाद में शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र खाना चालू करी तब जाकर खड़ी है हाँ दोनों हाथ हिला देना दीदी जहाँ भी हो हाँ उधर है क्या दोनों हाथ हिला तो एक बार ऐसे दिख जाओगे श्री शिवाय नमस्ते तो उन्होंने लिखा हमने डॉक्टर को भी दिखाया बालोदा बाजार में भी दिखाया फिर रायपुर दिखाया पर आराम नहीं लगा पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई खिलाई तो गठान धीरे धीरे गल गई शिव की कृपा से बैठो बहन हर हर शिव तत्व आप जितना विश्वास कर भगवान शंकर को जल चढ़ाओगे जितना विश्वास कर आप भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करोगे जितना विश्वास कर आप शंकर भगवान को रिझाओगे उतना देवदेव जो महादेव देव चढ़ाना भी कितना है एक चावल का दाना एक बेलपत्र और बेलपत्र नहीं भी है तो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस भगवान शंकर को चढ़ा देने पर भी मेरा शिव स्वीकार कर लेता है उसके मन में ये भाव नहीं होता कि तुम कहां से दे रहे हो किसका दे रहे हो वो तो ये मानता है कि तेरा स्पर्श मात्र तेरा केवल स्पर्श कितनी सुंदर कथा मिलती है महाराज एक कथा का स्मरण आता है एक बार देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन करते हैं कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूं कोई राम राम करता है कोई कृष्ण कृष्ण करता है कोई दत्त दत्त करता है कोई जगदम्बे अम्बे अम्बे करता है कोई बम्बलेश्वरी कहता है कोई राम कहता है कोई कृष्ण कहता है कोई शिव कहता है अगर मान लो भूमंडल पर संसार सागर में कोई भगवान शंकर का नाम लेने वाला है भगवान शिव का स्मरण करने वाला है तो उसके स्पर्श का क्या लाभ है उसके स्पर्श का क्या सुख ब्रह्मा जी ने कहा एक बार काशी में चंद्रवंश के अंतर्गत एक बड़े वीर राजा हुए जिनका नाम था दशाहर जिनका नाम दशाहर था और जिनका विवाह एक बड़ी सुंदर कन्या के साथ में
जिसका नाम था कलावती के साथ हुआ था। दशोहर जो राजा थे वो बड़े दानी थे, पुण्यात्मा थे, भजनी थे, कीर्तनी थे, स्मरण करने वाले थे। जरा देखिए आशुतोष भगवान का चरित्र। आप लोग जो पशुपति व्रत करते हो, आप लोग जो जल चढ़ाने जाते हो, आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाने जाते हो, आप एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाने जाते हो, या नहीं भी चढ़ाकर शंकर मंदिर को मात्र दर्शन कर कर जाते हो, वो भी नहीं कर पाते तो शिखर का दर्शन कर कर निकल जाते हो, वो एक शब्द इस दशोहर राजा का अशु महापुराण का श्रवण करिएगा। दशोहर राजा की धर्म पत्नी कलावती, जो राजघराने में रहती है, राजपाट में रहती है, पर अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ती। उसका नियम ब्रह्मा जी कहते हैं, उसका एक नियम बड़ा प्रबल है, एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाती है, मंदिर को पहले पूरा साफ करती है, साफ करने के बाद एक लोटा जल देवदेव महादेव को समर्पित करती है। फिर उसका एक नियम रहा है कि वो जल चढ़ाने के बाद में जो जलाधारी है, आज तो लेटर में भी शंकर जी हैं तो आपको समझा दें, देखो ये यहाँ जल चढ़ाया, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो भी देखिए, यहाँ जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद दशोहर राजा की जो धर्म पत्नी कलावती, वो इस जगह पर जहाँ जलाधारी है, आप भी देख लीजिएगा, जहाँ जलाधारी है उस जगह पर वो अपना हस्त कमल रख देती है। जो जलाधारी होती है इस जगह पर, इस स्थान पर, और जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं इस स्थान पर, वो अपने हस्त कमल को कलावती, जरा बहुत ध्यान से कथा सुनना कोकड़ी वालों को, ये कथा मिली है आशुतोष महापुराण की कथा। केवल आशुतोष भगवान का नाम ही केवल एक ऐसा नाम है कि जो नारी, जो कन्या, जो पुरुष, जो लड़का, जो बच्चा अगर इस आशुतोष भगवान का केवल नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके वैवाहिक जीवन में कभी तलाक नहीं होता, कभी विवाद नहीं होता, कभी क्लेश नहीं होता। ये वो आशुतोष भगवान, और अपने को मौका मिला इसको समझने के लिए। दशोहर राजा की धर्म पत्नी कलावती शिव जी को जल चढ़ाकर जलाधारी पर अपना हस्त कमल रख लेती है, और हस्त कमल रखकर बाबा देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हाथ रखा जाप जाप जाप। उसकी चित्तवृत्ति में जो मंत्र भगवान शंकर का है वो मंत्र उसको स्वीकार कर लेती है, कभी वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी वो पंचाक्षर, कभी वो महामृत्युंजय, वो मंत्र का, कभी गौरी शंकर के मंत्र का भी स्मरण कर लेती है। और इस पर चली, रोज का नियम, जल चढ़ाया, स्पर्श किया, चली। आज राजा रानी जब मंदिर से आ रही थी तो राजा ने रानी को देखा तो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि राजा ने उस रानी को आज तक इतनी सुंदर कभी देखा ही नहीं था। राजा ने कभी रानी को इतना सुंदर देखा ही नहीं। ब्रह्मा जी स्वयं देवऋषि नारद से कह रहे हैं कि सुनो नारद, जब वो जिस समय पर वो नारी कलावती कुंवारी थी तभी भी राजा को इतनी सुंदर नहीं लगी, जब विवाह हुआ तभी भी इतनी सुंदर नहीं लगी, दशोहर राजा को उस दिन वो इतनी सुंदर लगी जिस दिन वो देवाधिदेव महादेव के मंदिर से आ रही थी। हमने पहली कथा में कहा क्रीम की चमक 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना रहेगी, क्रीम की चमक 2-4-8 दिन रहेगी, पर तुम्हारे अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहेगी।
थोड़ा क्रीम लगा लोगे तो चमक जाओगे, माना चमक जाओगे, पर चमकने के साथ में जो कर्म की चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है। अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्याप्त करे वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। अब दशोहर राजा ने कहा कितना सुंदर लग रही है ये तो, कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर। और दशोहर राजा ने तुरंत उसी समय उसी पल उसी घड़ी राजा ने तुरंत रानी को देखा, रोका उसको, सुनो सुनो। रानी शिव भक्ति में लगी थी, शंकर के भजन में लगी थी। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। उसे कोई मतलब नहीं था रानी को, बस वो भजन। कलावती भगवान के भजन में इतनी रम गई, इतनी रम गई। राजा ने उसको आवाज लगाई, उसने सुना नहीं। हाथ में जल का पात्र था, पूजा की थाली थी, कर चली जा रही है। राजा उसके पीछे पीछे चला, कक्ष में पहुंच गए। रानी ने थाली रखी, लोटा रखा और राजा ने रानी का स्पर्श किया। जब वो सुंदर लग रही थी तब राजा ने रानी का हाथ पकड़ा। जैसे ही रानी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते से राजा के स्पर्श मात्र करने से रानी ने कह दिया, सुनो स्वामी, मैं मंदिर से आ रही हूं, आज मेरा व्रत है, मैं शिव की आराधना में लगी हुई हूं, मैंने नियम लिया है, मैं 7 दिवस तक भगवान शंकर की भक्ति को धारण करूंगी, शिव नाम का उच्चारण करूंगी, शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करूंगी, शंकर को रिझाऊंगी, आप मेरा स्पर्श मत करो। राजा ने नहीं माना और राजा ने स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते से ही राजा का पूरा शरीर, हाथ, संपूर्ण शरीर राजा का तपने लगा, जलने लगा, शरीर में ऐसे घाव से उत्पन्न होने लगे। दशोहर राजा का शरीर पूर्ण तरह से जल गया, शरीर जल गया। कलावती कह रही है, आप मुझसे दूर हो जाओ, आप मुझसे दूर हो जाओ। राजा ने फिर भी नहीं माना। हाथ जल रहा है, शरीर तप रहा है रानी का, और तपते हुए शरीर को भी राजा दशहर ने पकड़ना चाहा। रानी ने फिर कहा, मेरे शरीर का स्पर्श ना करो, क्योंकि मैं देवालय से आ रही हूँ, मैं शिवालय से आ रही हूँ, शंकर के मंदिर से आ रही हूँ, शिव के द्वार से आ रही हूँ, शंकर के शिवालय से आ रही हूँ। किसी मंदिर से अगर मैं आती तो चल जाता, पर मैं आ रही हूँ शिवालय से। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रहती है और शिवालय में शंकर का शिवलिंग रहता है। भले वो प्रतिष्ठित हो गया पर शिव रोज भ्रमण पर जाते हैं, इसलिए वो उनका घर है, वो शंकर का घर है, वो मंदिर नहीं शिवालय है। शंकर जहाँ निवास कर रहा है, दुख मिटाने के लिए जहाँ बैठा है, कष्ट मिटाने के लिए जहाँ बैठा है, हमारे रोग तकलीफ को मिटाने के लिए जहाँ बैठा है, वो शिव शिवालय के अंदर बैठा है। तुम मेरा स्पर्श मत करो। नहीं माना राजा, राजा का शरीर तप गया, पूरे शरीर में छाले पड़ गए। दशरथ राजा के पूरे शरीर में छाले छाले, पूरा आखिरी में नहीं रहा। राजा की आंख से आंसू बहने लगे। कलावती से नहीं सहन हुआ। कलावती ने कहा, स्वामी मैंने मना करा था, आप मेरा स्पर्श मत करो, आप मेरा स्पर्श मत करो, मैंने मना करा था। दो समय ऐसा होता है जिस समय पर किसी नारी को अपशब्द कहा जाता है, जो नारी या जो पुरुष उस नारी को अपशब्द कहता है, उसका बुढ़ापा खटिया पे सड़ सड़ के निकलता है। समझना जरा। दो, एक कोई मंदिर गया है, पूजन कर आ रहा है या पूजन करने जा रहा है,
रस्ते में से कोई निकल कर मंदिर जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के शिवालय में जा रहा है, कोई शिव मंदिर में जा रहा है, शिवालय में प्रवेश कर रहा है, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, कोई मंदिर में दिया लगा रहा है, कोई मंदिर में जल चढ़ा कर आ रहा है, जिस समय पर नारी पुरुष बेटी बेटा बच्चे कोई भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर आए या जल चढ़ाने जाए, शिव मंदिर में पूजन करने जाए या पूजन कर आए, उस समय पर अगर उस नारी को, उस बच्चे को, उस स्त्री को, उस कन्या को, उस पुरुष को दुकान पर बैठा व्यक्ति या घर के बाहर खड़ा व्यक्ति या रोड पर चलता हुआ व्यक्ति अगर गाली दे देता है, अपशब्द कह देता है, कोई ताने दे देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है, तो उसका बुढ़ापा उसको पलंग पर सड़ सड़ के निकालना पड़ता है, तब जाकर प्राण छूट जाता है। उसके घर के लोग चार बार गीता जी सुना देते हैं, 25 बार गंगा जल पिला देते हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं इसको उठा लो, अब ये सड़ रहा है, अब ये गल रहा है, तो अभी उसकी अंत गति बिगड़ जाती है, तो भी परमात्मा उसको लेता नहीं है। इसलिए बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। लोग कह रहे थे हंसी हंसी में, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई माता जल चढ़ाने के लिए गई और इतने में किसी ने ठिठोली कर 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 दिया, वो कहां जा रही है? शंकर जी के पास। वो कहां जा रही है? शिव के पास। वो कहां जा रही है? मेरे महादेव के पास। एक कोई पिता के पास में कोई बेटी आ रही है और उस बेटी से कोई अपशब्द कहेगा तो बेटी जवाब देगी कि उसका बाप जवाब देगा? बोलो बोलो जन के बोलो, बाप जवाब देगा कि नहीं देगा? बाप वहीं खड़ा है, मेरी बेटी मेरे पास आ रही है और तू खड़ा होकर अपशब्द कर रहा है, तो बेटी जवाब नहीं देगी, उसका बाप जवाब देगा, गिरवान पकड़ेगा, दो धर के देगा कि तूने मेरी बेटी के सामने ऐसी हरकत कैसे कर दी, मेरी बेटी को अपशब्द कैसे दे दिया, मेरी बेटी को ताना कैसे दे दिया। जब कोई शंकर के मंदिर जाता है, शिवालय जाता है, शिव जी कहते हैं मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका पिता हूँ, मेरे पास आने वाला, मेरे दरवाजे से जाने वाला, उस पर मेरी दृष्टि होती है, जो गलत बोल देता है, शिव कहते हैं, अभी अभी मालेगांव की कथा में कहा था, एक गर्भवती नारी के लिए, एक रजो धर्म वाली नारी के लिए, बोला था ना, किस किस ने सुना था, जरा हाथ उठा, बोला था ना, हाँ सबने सुना, रजो धर्म वाली नारी और गर्भवती नारी के लिए वहां बताया गया। आज जो कथा आशुतोष महापुराण की चल रही है उसका स्मरण करिए। देवालय जाने वाला, शिवालय जाने वाली नारी हो, कन्या हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा हो, बेटी हो, पुरुष हो, किसी को भोग हो शरीर, क्यों कहें हम बोला, हम बुरा कैसे कह दें? हम किसी को बुरा कहने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। कलावती ने कहा एक नारी जो मंदिर जा रही है या मंदिर से आ रही है, शिव जी को जल चढ़ाया, उसका स्पर्श हुआ, स्पर्श होने का जो शरीर में बल आया है, स्पर्श वो में इस घंटे राम जी के मंदिर जाओगे, राम जी का स्पर्श नहीं कर पाओगे। बमलेश्वरी माता के मंदिर जाओगे, माता बमलेश्वरी का स्पर्श कर पाओगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। कृष्ण भगवान के मंदिर जाओगे, उनका स्पर्श नहीं कर पाओगे। पर केवल एक देव अदित्य महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाओगे तो बेलपत्री चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, पानी चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, उसके द्वार पर पहुंचे हो तो उसका स्पर्श हो रहा है, केवल देव अदित्य महादेव। तो जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाई जाती है, जब भगवान शंकर को एक चावल का दाना चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर का कोई व्रत करा जाता है, तो उसका स्पर्श हो जाता है, स्पर्श हो गया मतलब 24 घंटे शंकर भगवान के शरीर का जो बल है, शिव जी के तप का जो बल है, वो 24 घंटे तुम्हारे शरीर में आ जाता है, शरीर 24 घंटे। कोई कोई सुबेरे सुबेरे एक भैया यहां पर कहीं से बोल रहे होंगे कि माताओं से निवेदन है अपने गीले कपड़े
इधर उधर नहीं जाना, ऐसा बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कहीं करंट का तार टूट गया है तो कहीं उसमें करंट ना जाए, इसलिए गीले कपड़े नहीं डाले। सब माताएं चतुर थी, सबने अपने अपने कपड़े ठीक है। अब इनने तो कहा कि वो करंट का तार टूटा और उसका स्पर्श ना हो, पर कोई कोई तार ऐसा होता है, कोई बहुत पावर की लाइन जाती है ना, तो वो इतनी दूर से खींच लेते हैं। बोलरी जी जी सही है, कहीं कहीं का पावर का तार हो, बहुत पावर का हो तो वहां से आदमी को खींच ले, यहां से इतनी दूर से। ओके, मैं तो वहां से जा रहा था पर करंट कहां से लग गया इसको, तो जा तो उधर से रहा था, कुछ नहीं, वो पावर का तार था। मेरा महादेव उस पावर का है कि दूर से ही कल्याण कर देता है, दशोहर ने, राजा दशोहर ने हाथ का स्पर्श करा, रानी से पूछा कि मेरा शरीर जल क्यों रहा है, मेरे शरीर में इतने छाले कैसे पड़ गए, मेरे शरीर इतने तप क्यों रहा है। रानी कहती है मैं शंकर के मंदिर से शिवालय से आ रही हूँ, आपने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरा व्रत था, साधना थी, मेरा तप था, मैं भगवान शिव की भक्ति में लगी थी और तुमने मेरा स्पर्श करा है, इसलिए तुम्हारा शरीर जल रहा है, अब मैं क्या करूं। तूने क्या इतना भजन कर लिया, इतना भजन कर लिया तूने कि तेरे शरीर का स्पर्श करूं तो मेरा शरीर जल रहा। रानी कहती है मैंने इतना भजन नहीं करा, मैं तो बस केवल भगवान शंकर के मंत्र जाप को करती हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर का काम करते करते भी अंदर से जप लेती हूं, चिल्लाकर नहीं जपती, काम करते करते आटा सन रही हूं तो भी मैं गुनगुना रही हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुछ ना कुछ कार्य करते करते मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, त्र्यंबक का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर रहा तो क्या भगवान के मंत्र का कितना फल है। हां तुझे ये मंत्र दिया किसने था, एक बार में सुनकर भगवान की पावन कथा वटवृक्ष के नीचे शिव की कथा दुर्वासा ऋषि कह रहे थे, उन दुर्वासा ऋषि की कथा को सुनने के लिए मैं चली गई और कथा में जाकर बैठ गई। जब मैं कथा में जाकर बैठी तब दुर्वासा ऋषि ने इस मंत्र का जाप व्यास पीठ से कर दिया, वो मंत्र मुझे मिल गया, फिर मैंने उस मंत्र को कभी नहीं छोड़ा, जब तक मेरा मन पड़ा उस मंत्र को जपती रही, उस जप के मंत्र का फल ये हो गया कि मेरे शरीर से भगवान शंकर का एक आनंद प्राप्त हो गया, शिव का एक आनंद प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। राजा दशोहर ने पूछा ये मेरे शरीर के छाले कैसे समाप्त होना, मैं करूं क्या, क्या करना पड़ेगा मेरे पाप को समाप्त करने के लिए, मेरे शरीर के पाप को समाप्त करने के लिए। तो ने कहा मैं कुछ नहीं कह सकती पर इतना जानती हूँ कि गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। राजा दशोहर अपने गुरु गर्ग बाबा के पास में, गर्ग मुनि के पास में पहुंच गए, गर्ग मुनि के पास में जाकर कहा गर्गाचार्य जी कुछ कृपा करिए कि मैं कलावती जैसा तप बल प्राप्त कर लूं, मेरा शरीर जल रहा है। गर्ग बाबा ने भी उनको कहा शिव मंदिर में जाना जहाँ से शंकर को चढ़ा हुआ जल निकल कर जा रहा हो, उस जल को हाथ रख देना, केवल तू हाथ उस जल पर रखेगा उतने में तेरे शरीर का ताप और पाप समाप्त हो जाएगा, जल में वो फल, जल में वो आनंद, तेरा ताप और पाप दोनों समाप्त हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर में जाते हैं, शंकर जी का जो जल बहता है, चढ़ाया हुआ जल जो निकल कर जाता है उसका स्पर्श करते हैं, कितने लोग बैठे हैं यहाँ, करते हो आप लोग स्पर्श, करना चाहिए। शिव जी को चढ़ाए हुआ जल जहाँ से बहकर जा रहा है उस जगह पर भले पानी हो चाहे नहीं हो, उस स्थान को भी अगर आपने स्पर्श कर लिया तो समझ लो कि जैसे शंकर का लगा हुआ चंदन का कुंत अपने मस्तक पर आता है, वैसे ही उस स्पर्श को कर मात्र मस्तिष्क पर लगाने से यह भाग्य की उल्टी रेखा भी सुलटी हो जाती है, ये उस जल का फल है, ये उस जल का आनंद। क्यों कहते हैं, बच्चा जब जिद्दी रहता है, बच्चा जब रात्रि में बहुत ज्यादा रोता है, बच्चा जब जब पलंग पर बिस्तर पर गंदगी करने लगता है,
तो माताएं दवाई देती हैं, समझाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर वो बच्चा जब तक ना जाने क्यों रात भर रोता है, क्यों चमक जाता है, ना जाने क्यों रात भर रोता है, चिड़चिड़ करता है, क्यों इसको मैंने खिला दिया, पिला दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी ये चिड़चिड़ करता है, फिर भी रोता है, फिर भी ये गंदगी करता है, सब कुछ कर दिया तो भी गंदगी करता है, इसको दो बार मैं रात्रि को उठाती हूँ, वॉशरूम कराने ले जाती हूँ, फिर भी ये गंदगी कर जाता है, उसका कारण हो सकता है कुछ हो, पर एक बेलपत्री शिवजी पे चढ़ी हुई, एक लोटा जल चढ़ा हुआ, पानी बहता हुआ, जब उस जलाधारी यहाँ से नीचे गिर जाए और गिरकर जब उस छोटा सा नाली जैसा बना होता है ना, उसमें से पानी बाहर जा रहा हो, तब उस जगह पर हाथ से उस स्थान को थोड़ा सा रोक लो और वहीं से चार छह बूंद उस पानी को लेकर आ जाओ, वही पानी उस बच्चे के होठों पर लगा दो या उसको पीने के लिए दे दो, वो बच्चा धीरे धीरे बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर देगा, जिद्दी उस जल में इतना फल होता है, ताप और पाप दोनों शिव के चढ़े हुए जल से चले जाते हैं, ताप पाप दोनों चले जाते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़नी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। आपका ताप और पाप दोनों समाप्त हो जाए, कितना सुंदर भाव है। और आज आशुतोष महापुराण की कथा में आप सबके लिए एक बड़ी सुंदर बात कहना चाहेंगे, जिसके शरीर में कहीं गांठ पड़ रही हो, चाहे वो बच्चादानी में हो, चाहे वो चेष्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब हाथ में झेलो, हाथ में जब झेलो, तब उस समय पर या तो पंचाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते करते लेकर शिव जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्री को लेकर शंकर भगवान के मंदिर के ही बाहर वीरभद्र का नाम लेकर, मणिभद्र का नाम, वीरभद्र नहीं मणिभद्र का नाम लेकर, जो भगवान शंकर के गण हैं, दरवाजे के द्वार पर मणिभद्र का नाम लेकर दरवाजे के बाहर बैठकर उसका आचमन कर उस बेलपत्री को वहीं पर खाना चालू कर दो, भले हफ्ते में दो बार खाओ, धीरे धीरे गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगी। मणिभद्र का स्मरण, देखो ये पत्र आया सुंदर, मेरा नाम श्रीमती ममता बाई यादव, मैं ग्राम कोकड़ी बालोदा बाजार की रहने वाली हूँ, जिस गांव में कथा चल रही है। आप दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्कार। मैं दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती हूँ गुरुदेव, मेरा पति बहुत मदिरा का पान शराब पीता था, गाली गलौज भी करता था, जिसके कारण मैं और मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे। एक दिन जब मैं मामा वेणु शंकर जयसवाल जी के यहाँ पर सफाई करते थे, वेणु शंकर जी के यहाँ जयसवाल जी के यहाँ सफाई करने के लिए गई, वहाँ टीवी पर शिव महापुराण की कथा आ रही थी। उस कथा में आप कह रहे थे कि टीवी की आवाज बढ़ाकर सुना करो, धन्यवाद आपने सुना तो सही, टीवी की आवाज बढ़ाकर सुना करो। मैं सफाई करते करते टीवी की आवाज इन्होंने तेज कर दी और मेरे कानों में शब्द गया,
कार्तिक मास के वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ी हुई तुलसी पत्र का और बेलपत्र का स्मरण आपने बताया था, वो मैंने करा और इनको दिया। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, मेरे पति ने शराब को छोड़ दिया, तब से आज तक हमारे घर में शांति है और पूर्ण तरह से शराब मुक्त मेरा पति हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। बैठो बहन। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। और आपके पति को भी साधुवाद देता हूँ, आपके पति को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने एक बार में शराब को छोड़ दिया, व्यसन को छोड़ दिया, बहुत बहुत साधुवाद। खाली न जाता कोई दर से, बोलो बोलो सब बोलो, खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं, नन्ही बाहें पसारे मैं भी खड़ी हूं, नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं उठा लो उठा। प्रभु आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आप जिसको पकड़ लेते हो उसको तार देते हो, आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपका भजन कीर्तन स्मरण कभी खाली नहीं। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है, जैसे ही राजा ने गर्गा बाबा के कहने से, गर्गाचार्य जी के कहने से स्पर्श किया, स्पर्श करते से शरीर का पूरा ताप पूरा पाप समाप्त हो गया, ताप और पाप दोनों। एक बात 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 ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर में जाते हो, जल चढ़ाते हो, जल लेकर कलश में आते हो, बोलो जम के बोलो, आते हो सब लोग कलश में, जल भले थोड़ा सा ला पर मंदिर से खाली मत आना, अवश्य मंदिर से खाली नहीं आना है, जल लेकर थोड़ा सा ला, और वो जल परिवार के जितने सदस्य हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा आचमन करो। कभी घर के अंदर बड़ी बीमारी बड़ा रोग प्रवेश नहीं कर सकता जो शिव की शरणागति में रहे। कल एक कथा चल रही थी, आपको स्मरण होगा, इंद्र और कुबेर, जिन्होंने देवदेव महादेव को बीच रास्ते में बैठा हुआ देखा और वज्र उठा लिया था, शंकर भगवान को केवल हटा दिया। पहले तो एक स्मरण आपको रहे कि जहां देवदेव महादेव का शिवालय होता है, जहां शंकर भगवान का शिवालय है, जहां भगवान शंकर विराजमान है, और जहां पर आप पशुपति व्रत कर रहे हो या भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, वो स्थान कोई साधारण नहीं हो सकता। जहां ये कोकड़ी गांव में शिव महापुराण की कथा हो रही है, जिस जगह पर यह कथा हो रही है, ये जगह भी कोई साधारण नहीं हो सकती, शिव की कृपा की यहां जरूर, कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा करुणा उदार। शिव तत्व जहां पर धर्म है,
सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, नाम जाप है, स्मरण है, कथा है, कीर्तन है, साधना है, तप है, वो किसी तीर्थ से कम नहीं, किसी तीर्थ से कम नहीं। वो जगह किसी तीर्थ से कम नहीं। एक झारखंड में एक स्थान संबे शिखर, जहां पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष को पाए हैं। वो समय शिखर झारखंड की उस पावन भूमि पर, जिसको झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करा। हम निवेदन करना चाहेंगे इस व्यासपीठ से उस समय शिखर के लिए, जहां पर धर्म का स्थान होता है, जहां इतने मुनियों ने, संतों ने तप किया होता है और मोक्ष पाया होता है, वो स्थान पिकनिक का स्थान नहीं होता, वो तीर्थ स्थान होता है। उसको तीर्थ घोषित होना ही चाहिए। अगर हम उसको पिकनिक का स्थान बोल दें या पर्यटन स्थल बोल दें, तो ये उसका अपमान है। जैसे कोई मुख्यमंत्री आए और यहाँ से कोई माइक पकड़ कर केवल उनका नाम लेकर बोल दे कि ये आए हैं, तो मुख्यमंत्री को बुरा लगेगा कि लगेगा? बोलो रे छत्तीसगढ़ वाले, लगेगा कि लगेगा? कोई अध्यक्ष आए और उसका नाम ले दिया जाए और अध्यक्ष बोला ही नहीं जाए, उसको बुरा लगेगा? कोई आए और उसका नाम ले दिया जाए, उसको डॉक्टर बोला ही नहीं जाए, तो हमें डॉक्टर नहीं बोला, बुरा लग जाएगा? तो जिस जगह पर 24 तीर्थंकरों ने तप करा है, साधना करी है, मोक्ष पाया है, तो उस संवेश शिखर को तीर्थ ना कहकर तो उस मुनियों का, संतों का, उस स्थली का अपमान ही है ना, कि हम उसको पर्यटन स्थल बोल। कई लोग कहते हैं गुरु जी वो जैन धर्म सनातन धर्म का ही एक अंश है, हम उसको अलग नहीं मानते। अरे दुनिया के लोग माने कि जैन धर्म अलग है, हम नहीं मानते। जितने धर्म है सारे मेरे सनातन धर्म से निकले हुए हैं, वो सनातन धर्म के माध्यम से। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से रहेगा, झारखंड की वो सरकार से रहेगा, कि जैसे हर एक व्यक्ति को अपना नाम, आप मुख्यमंत्री आए, कोई प्रधानमंत्री आए, कोई ये मंत्री आए, कोई वो मंत्री आए, तो उनके आगे उनका मंत्री पद बोलना पड़ता है, केवल नाम बोल दो तो उनका अपमान हो जाता है। डॉक्टर साहब आए और हमने उनका नाम ले दिया, डॉक्टर नहीं बोला। वकील साहब आए और उनका नाम ले दिया, वकील नहीं बोला, तो उनका अपमान है। उसी तरह संदेश शिखर हमारे पार्श्वनाथ भगवान का एक स्थान है जैन मुनियों में, जहाँ का एक आनंद होना चाहिए, जहाँ उसको पर्यटन स्थल या पिकनिक स्थल नहीं, इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, उसको तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए, वो जैनों के लिए, जैन धर्म के लिए। सुख वो नहीं जहाँ भजन हो, जहाँ कीर्तन हो, जहाँ मंत्र जाप हो, जहाँ स्मरण हो, जहाँ भजन हो, वो तीर्थ स्थल। और कोकड़ी जहां पर ये बालोदा बाजार के पास में कथा हो रही है, इस कोकड़ी के लिए भी कहना चाहूंगा, ये जमीन कोई साधारण नहीं होगी, यहां मेरा देव अधिदेव महादेव का जरूर होगा, इसलिए इंद्र और कुबेर ये दोनों के मन बुद्धि चित्त में आ गया कि शिव जी को यहां से हटाना, भगवान शंकर को यहां से हटाना। इंद्र ने कहा कुबेर से, हटाओ इसको यहां से, शिवजी तो अपने तप मुद्रा में लीन थे, भगवान शंकर की साधना में लीन थे, भगवान शिव अपनी तप साधना में लीन है, भक्ति में लीन लीन। तभी जब भगवान शंकर तप साधना में लीन थे, इंद्र ने कहा हटो यहां से, शिवजी के नेत्र नहीं खुले, शंकर भगवान नेत्र बंद करके तप करते थे।
तब करते रहे। इंद्र ने फिर कहा हटो यहां से, शिवजी तब भी तप करते रहे। शिवजी नहीं नहीं, कुबेर ने कहा मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं उठने वाला है, जरा विचार करिएगा। जितनी बार इंद्र का सिंहासन गया है, जितनी बार इंद्र की कुर्सी गई है, जितनी बार इंद्र की सत्ता गई है, उतनी बार मेरे देव अधिदेव महादेव ने इंद्र को वापिस कुर्सी पर और सत्ता पर बिठाया है। वापिस जितनी बार इंद्र की सत्ता गई, जितनी बार इंद्र की कुर्सी गई, उतनी बार इंद्र को सत्ता में वापिस देव अधिदेव महादेव मेरा महादेव मेरा शिव मेरा उभर दाना मेरा शंकर मेरा कृपालु मेरा दयालु मेरा शंभु किसी को खाली नहीं देखता। क्यों खाली देखता? वज्र उठाया इंद्र ने, देव अधिदेव महादेव की ओर वज्र लेकर बस एक कदम आगे बढ़ाया ही था, इतनी देर में शंकर भगवान के उस शरीर से एक ज्योति प्रकट हो गई, जिस ज्योति ने वज्र को वहीं रोक दिया और इंद्र का पूरा शरीर जलने लगा। जलता हुआ देखकर कुबेर उस स्थान से भाग गया। समझना जरा, दो एक हंस और एक कौवा दोनों मित्र बन गए। कौवे ने हंस से कहा मुझे भूख लग रही है कुछ खाने को दे। हंस गया मोती लेकर आया, मोती उसको दे दिया। कौवा कहता है मोती कैसे खाऊंगा, मेरी चोंच नहीं जाएगी, मैं ये मोती नहीं खा सकता, मुझे तो मांस के टुकड़े लाकर दो, मुझे मांस के टुकड़े लाकर दो, मैं ये मोती नहीं खा सकता। हंस कहता है मैं मांस नहीं ला सकता। कौवा उड़ा, हंस को भी साथ लेकर उड़ा और कहा चल मैं जहां रहता हूं वहां चलते। शमशान पहुंच गए, बड़ के पेड़ पर कौवा और हंस बैठ गए। हंस ने कहा मुझे भूख लग रही है, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था जहां से मांस का टुकड़ा उठाकर कौवा लेकर आ गया, ले खा। हंस कहता है मैं ये गलत नहीं खा सकता, मैं गलत नहीं खा सकता। इतना नियम पक्षियों का होता है, कौवा मोती नहीं खा रहा, हंस मांस नहीं खा रहा, शेर कभी घास नहीं खाता, कितना नियम है पशु पक्षी का, कितने नियम से चलते हैं पशु पक्षी। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसका कोई नियम नहीं, जो मिल जाए वो निपटा जाए, जो मिल जाए बस उसको खा जाए। केवल एक मनुष्य, केवल एक कौवा बोल रहा था, मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, एक राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाया, बाण उठाया, छोड़ा। कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया। राजकुमार ने कहा मैंने कौवे को मारा था, तुम्हें लग गया। हंस कहते हैं ये संगत का असर है, मैंने गलत व्यक्ति की संगत कर ली थी और वो गलत व्यक्ति गलत काम कर कर चला गया। अच्छा व्यक्ति पड़ा, अच्छा व्यक्ति तड़प रहा, अच्छा व्यक्ति सड़ रहा। देखो संगत का बड़ा असर पड़ता है। तुम यहां से बाहर निकलना, एक ठेले वाले के पास रुक जाना, ठेले वाले से पूछना चाय के ठेले वाले से, भैया चाय है क्या? हाउ साहब दे दे, कितने की है? 10 रुपए की। चलो कोकड़ी में चाय पीना ठेले पर दुकान पर 10 रुपए। अब तुम चले जाओ बालोटा बाजार, एक होटल पे रुकना, अच्छी बढ़िया कांच माच लगी हुई, एक चाय देना, ये लो कितने की है? जम के बोलो 20 रुपए। और अच्छी बहुत वीआईपी, बहुत वीआईपी होटल में जा, लाओ जरा एक चाय लाओ तो जरा, ये लीजिए कितने की है? 50 रुपए।
और फाइव स्टार होटल में जाओ चाय मंगवा। इतने की 500 रुपए मर गए। कोकड़ी में तो 10 ही की थी, बालोदा बाजार में 20 की, अच्छी होटल पर और फाइव स्टार 500। तो चाय पीने वाले ने पूछा, ये चाय की पत्ती वही है कि इसमें बदल गई? जो 10 रुपए की थी वही चाय की पत्ती है, जो 10 रुपए की थी वही दूध है, जो 10 रुपए का था वही अदरक, जो 10 रुपए का था वही चाय, वही इलायची, सब वही की वही है। केवल वो चाय जितनी ऊंची ऊंची दुकान पे जाके बैठ गई उतनी उसकी कीमत हो गई। तुम कहां बैठ रहे हो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारी कीमत होना चाहिए। तुम कहां बैठ रहे हो, किस जगह पर जाकर बैठ रहे हो, किस स्थान पर जाकर बैठ रहे हो? कहीं गलत जगह बैठोगे, मदिरा की दुकान पर जाकर बैठ जाओगे, भले पानी पी रहे होगे पर लोगों की दृष्टि में आ जाएगा कि ये मदिरा पीता है। बोलो सही है कि गलत है? जुए वाले के साथ में रहोगे तो कहने में आ जाएगा ये जुआ खेलता होगा। मांसाहार वाले के साथ बैठोगे तो कह देगा मांसाहार। भले तुम नहीं करते, भले तुम जुआ नहीं खेलते, भले तुम दारू नहीं पीते, मदिरा नहीं पीते, नशा नहीं करते, पर कहलाएगा यही कि इसने ये करा होगा। और अगर तुम मंदिर में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, तो भी लोग कह देंगे भैया ये तो बहुत भगत है शंकर जी का, ये राम का भगत, ये कृष्ण का भगत, भगत ये शिव का भगत है, ये संतों की संगति करता है, असर पड़ता है। जो जो काम करता है उसको उस काम से पुकारा जाता है। अगर कोई दूध बेचता है तो उसको क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा अच्छे से, बोलो रे कोकरी वालों, दूध वालों, ठीक है। सब्जी बेचे तो है सब्जी वाला, सोना बेचे तो, बर्तन बेचे तो कपड़ा बेचे तो कपड़े वाला, चूड़ी बेचे तो चूड़ी वाला। अब देखो कितना सारे, दूध बेचे तो वो दूध वाला हो गया, सब्जी बेचा तो सब्जी वाला हो गया, कपड़े बेचे तो वो कपड़े वाला हो गया, और तुम भगवान के मंदिर गए तो भगवान वाले हो गए, शिव वाले, राम कृष्ण वाले। ये तुम्हारा असर बैठने से, तुम जहां बैठ रहे हो उसका असर शरीर में जलने लगा। ज्योति निकली, वो ज्योति प्रकट होकर इंद्र को जलाने लगी, इंद्र को जलाया तो भाग गया। संसार की नीति है कोई किसी का साथ नहीं देता, संसार में साथ देते हैं केवल समय। कई लोग कहते हैं मेरे साथ में 50 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ 100 लोग हैं, कोई कहता है मेरे पास में 1000 लोग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई के साथ कोई नहीं है, जब पूरा वक्त आता है तब किसी के साथ कोई नहीं रहता, अकेले कारागार में पड़ा होता है और भुगत रहा है। 10,000, 5,000, 500, 200, 20, 50 आदमी मेरे साथ है। कब है? जब तेरा समय अच्छा, समय अच्छा होगा तो 50 तेरे साथ में होंगे, समय बुरा होगा तो वो 50 भी तेरा साथ। समय अब कितना समय फेर लेता जरा देखिए। कानपुर में 13 बजे से कथा होना थी, समय का फेर देखिए बेचारे। वो जो वाजपेयी परिवार ने कथा ली थी 2 साल पहले, कथा ली वो वाजपेयी परिवार ने, उसने पूरी तैयारी कर ली, पूरा टेंट पहुंच गया इंदौर से, कहीं कहीं से, कहीं नागपुर से सारा सामान पहुंच गया, 200 लेटरिन बाथरूम बनने का सामान पहुंच गया। आखिरी में वो कथा कैंसिल हुई, परमिशन नहीं मिल पाई, और फिर वो कथा इस माइक से बोल दिया गया इस व्यासपीठ से कि वो कथा कैंसिल हो गई। और इतने में खबर पहुंच गई महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के आदरणीय सांसद जी हरिभाऊ जाधव सांसद जी परभणी लोकसभा से, जिन्होंने टीवी पर कथा सुन रहे थे और उनके कानों में शब्द गया कि वहां की कथा कैंसिल हो गई, गुरुजी 7 दिन सीहोर रहेंगे, तो उन्होंने तुरंत दूसरे दिन ही खबर करवाई कि
कुछ नहीं, 7 दिन नहीं मिले तो 5 दिन दो। पर भाई महाराष्ट्र में एक बार फिर शिव शंकर की कथा हो जाए बाबा, तो होना थी कानपुर में कथा की परमिशन ना मिलने के कारण वो पहुंच गई वापिस जम के बोलो महाराष्ट्र में। फिर शिवाजी की वो पावन भूमि पर वो कथा पहुंच गई और छत्रपति शिवाजी की पावन भूमि पर 5 दिन की 13 जनवरी से 17 जनवरी तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक आस्था चैनल पर फेसबुक पर यूट्यूब पर और परभणी के उस पावन कथा स्थल लक्ष्मी नगर पाथरी रोड परभणी में ये पावन शिव महापुराण की कथा जहां पर मेरे हरि विठल के सिर पर शिवजी का शिवलिंग विराजमान है पंडरपुर में, उन पंडरपुर की पावन धरा पर जो चंद्रभागा नदी बहती है उस चंद्रभागा नदी का पूरा चरित्र सुनने के लिए चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा वहां श्रवण करने का मौका मिला। सभी वारकरी संप्रदाय के भक्तों को, हरि विठल के भक्तों को, शंकर भगवान के भक्तों को हमारी तरफ से निमंत्रण आनंद के साथ में परभणी की चंद्रभागा माँ, माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा को 5 दिन श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाइए। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक परभणी का उस आनंद करिए, महाराष्ट्र परभणी की पावन कथा। दिन कम है इसलिए व्यवस्था करने में भी थोड़ा समय लगता है, फिर भी देवादिदेव महादेव कराने वाला और करने वाला शिव कृपा, शिव की उदारता, शंकर की शिव महापुराण की कथा चक रहे समय पर कब कहां पहुंच जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जो कहते हमारे साथ में इतने थे वो तुम्हारे साथ में नहीं थे, तुम्हारे समय के साथ में थे। तुम्हारा समय था, सत्ता थी, वैभव था, लक्ष्मी थी, तो दुनिया तुम्हारे साथ थी। समय गया, सत्ता गया, वैभव गया, लक्ष्मी गई, सत्ता गई, सब तुम्हारे पीछे, फिर तुम्हें अकेले भोग होना है, कोई तुम्हारा साथ। इसलिए सत्ता रहे, समय रहे, कुर्सी रहे, पद रहे, प्रतिष्ठा रहे, तब तक जितना बन जाए सत्कर्म करो, जितना बन जाए भजन करो, जितना बन जाए अच्छा काम करो, परमात्मा का काम करते रहो, जनमानस का कल्याण करते रहो, जिससे बाद में भी लोग याद रखें कि वो था तो उसने ये करा था, उसको वापिस सामने होना चाहिए, वो वापिस आना चाहिए। अच्छा कर्म कर, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रही है, दिल से जो जपता है वो दिल से सुनता है। देखो एक दो पत्र आए, अन्नु इसका नाम, मेरा नाम अन्नु है, श्रीवास अनु श्रीवास शिवरी नारायण जिला जांजगीर चापा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते, मैं अनु श्रीवास शिवरी नारायण जिला जांजगीर चापा, उम्र गुरुजी मैं जब 13 वर्ष की थी तब मेरे समस्त शरीर में, पूरे शरीर के अंदर खुजली एलर्जी की बीमारी थी, रोगग्रस्त थी। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी मुझे कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपसे विगत 3 वर्षों से आपकी कथा श्रवण कर रही हूँ, इसी बीच आपके द्वारा बताए गए उपाय पशुपति व्रत, एक बेलपत्र सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाकर खाना, शरीर पर शिवजी का जल लगाना जो बताया था वो मैंने करा और बाबा की कृपा से जो एलर्जी 15 वर्षों से थी बाबा ने मेरी वो एलर्जी समाप्त कर दी और मेरा पूरा शरीर अच्छा कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने चापा जांजगीर से आई हूं। श्री शिवाय नमस्ते, ठीक है आप, हर हर महादेव, बैठिए। शिव कथा, एक पत्र बड़ा, मेरा नाम योगेश कुमार सिन्हा, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, आप ही श्री शिवाय नमस्कार।
मेरा नाम योगेश कुमार सिन्हा और मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मेरा बच्चा साढ़े तीन साल का था, जो अच्छे से बोल नहीं पाता था। उसकी वाणी नहीं, शब्द नहीं, कुछ शब्द का स्मरण कर पाता था, उसके सिवा उसके पास कोई शब्द नहीं था। हमारे मिलने वालों ने भी कहा कि इसको डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को भी दिखाया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसके शब्द नहीं आए। तब पशुपति व्रत करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र, लाल चंदन का त्रिकुण जो आपने बताया था, वैसा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब मेरा बच्चा पूर्ण तरह से बोलना चालू कर दिया है। हम बच्चे को भी लेकर आए हैं यहाँ प्रणाम करने के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। बिठाइए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व शंकर। एक पत्र और है। मीता सिंह माता श्रीमती बिमला सिंह पुरानी बस्ती कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। मैं मीता सिंह कोरबा छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। गुरुदेव मैं जन्म से नेत्रहीन हूं। मेरा संसार को दूसरे नेत्रों से देखा है। मेरे खुद के नेत्र नहीं है मगर मुझे ईश्वर से बड़ा प्रेम है और आपकी शिव पुराण की कथा में हर पल सुनती हूँ, मुझे बल मिलता है। मेरी आंखें नहीं है पर दिल की आंखों से आपको देखती भी हूँ और सुनती भी। गुरुदेव मेरी एक समस्या है, एक बार मुझे भी पशुपति व्रत करना है पर आप कहते हो कि पशुपति व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रसाद खुद तैयार करे, थाली खुद लगाए। तो मेरे आंखें नहीं तो मैं कैसे उस व्रत का सामग्री तैयार करूं? क्या मेरी माँ मेरे भोजन की थाली को लगा सकती है? तो बेटियां बच्चे आई हुई हैं क्या बेटी? अगर बच्चे व्रत कर रहे हैं, बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो उनकी माँ उनके पिता उनका सहयोग कर सकते हैं, वो व्रत स्वीकार का। ऐसा नहीं है, बच्चे जब तक तुम्हारे हैं वो माता पिता के अधीन है। माता पिता के अधीन। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। हर हर शिव तत्व की शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का संवाद। इंद्र का शरीर जल रहा है, कुबेर चले गए। जब इंद्र के ऊपर भार आया कुबेर चले गए, इंद्र का शरीर जलने लगा। भगवान के शरीर से निकली ज्योति से जब इंद्र का शरीर जल रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे हैं इंद्र के, नैनों से जल जल रहा है इंद्र के, रो रहा है इंद्र। शिवजी के सामने से निकल कर गए, सामने से देव ऋषि नारद जी आ रहे थे। देव ऋषि नारद जी को देखा तो इंद्र ने अपने मन की बात कही कि देवाधिदेव महादेव बीच में बैठे थे, मैंने उनको हटाना चाहा पर महादेव हटे नहीं। मैं महादेव को हटाना चाहा पर महादेव हटे नहीं। भगवान शिव भगवान देवाधिदेव महादेव मेरे भोलेनाथ मेरे शंकर जहां बैठते हैं वो बैठकर जहां तप साधना करते हैं वहां सुख प्रदान करते हैं। इंद्र तेरी बुद्धि मारी गई थी जो तू भगवान देवाधिदेव महादेव पे वज्र उठा लेता है? क्या तेरी बुद्धि मारी गई थी तूने वज्र उठाया? कुबेर ने आकर देवाधिदेव महादेव के चरणों को प्रणाम करा, मेरी गलती हो गई जो मैंने इंद्र का साथ दिया। संसार के लोग सत्ता और समय के अनुसार आपका साथ देंगे, उसके बाद में अगर सत्ता गई समय गया तो ये पलटी मारकर दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, जैसे कुबेर शिव जी के पास तुरंत पहुंच गया। अभी इंद्र के साथ इंद्र से कहा शिव जी को हटाओ यहाँ से, रस्ते में से हटाओ, बीच में से हटाओ। इंद्र को बल दिया उस कुबेर जी ने, इसको हटाओ शंकर भगवान को, कई मिलेंगे आपको ऐसे। जब आप भजन में लग जाएंगे, संकीर्तन में लग जाएंगे, कीर्तन में लग जाएंगे तो आपको वहां से हटाने का प्रयास करेंगे, हटाएंगे आपको। पहले भी कथा में काज फिर कर तीन मित्र
जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। थाली प्रशंसा करने वाला, थाली होटल में खिलाने वाला और प्याली मदिरा पिलाने वाला, ये तुम्हारी जिंदगी नाश कर देते हैं। तीन मित्र तुम्हारा जीवन बर्बाद करने में लगे रहते हैं। पहला थाली बजाकर प्रशंसा करने वाला लगे रहे, ये दो चार धड़के जो बल देते हैं तुमको, अपशब्द करवाते हैं, आड़ा टेढ़ा काम करवाते, कर ले मैं बैठा हूँ देख लूंगा, जो ये कह रहा है वो बाद में हट जाता है और आपको फिर बाद में थाने में पहुंचना पड़ा। प्रशंसा करने वाले ताली बजाकर तुम्हें खड्डे में डालने वाले ढेर मिलेंगे, जो तुमको नई नई अकल देंगे, नया नया बात बताएंगे और तुमको बाद में जब पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, कहीं कमी छोड़ेंगे, तब खुश होंगे, फिर वो दूसरे को पकड़ लेंगे, फिर दूसरे को बर्बाद करेंगे, फिर तीसरे को पकड़ लेंगे, तीसरे को बर्बाद करेंगे। ये थाली मित्र बर्बाद करने वाले होते हैं। थाली मित्र, होटल का खाना मित्र को पसंद नहीं था, घर में खाता था, घर में बनवाता था, पर उसको जान करके होटल में ले गए अपने पैसे, पहले उसको होटल का नशा करवाया, होटल का खाना सिखाया, फिर होटल में ले जा कर खा खा कर उसकी जितनी दौलत थी सब बेच खा गए, आखिरी में उसको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। वो थाली मित्र होते हैं जो बर्बाद कर देते हैं। तीसरा है प्याली मित्र, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे, तेरे से थोड़ी ना कह रहा हूं कि तू दे, चल तू तो मेरे साथ बैठ गाड़ी के पीछे बैठ, अरे मम्मी मारेंगे, पापा चिल्लाएंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, चल चल सरी कौन देख रहा है, चल 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 ले गए गाड़ी पे बिठा कर, उसको स्वयं के पैसे से पीना सिखाया, स्वयं के पैसे से। घर में एक व्यक्ति अगर पीने वाला होता है तो उसका पूरा कुल भोगता है, पूरा कुल भोगता है। पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, बेटियां रोती है, माँ रोती है, बाप रोता है, एक अकेले के चक्कर में। संकल्प लेना चाहिए इस महापुराण में कि मैंने अगर जो भी अब गलती करी अब नहीं करूंगा, आज से मैंने पीना छोड़ दिया, अब पीऊंगा तो भगवान शिव का चरणामृत, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, उसके सिवाय कुछ नहीं। गलत व्यसन से दूर। ये नवयुवक बेटे बेटियां, नवयुवक छोरे हों, नव छोरियां पढ़ने के लिए बेटा बेटी बड़े शहर जाते हैं और उनको बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बर्बाद कर देते हैं। मेरा सबसे निवेदन है थोड़ा सा संभल, अपने जीवन को सार्थक बना। सरकार या शासन आपको नहीं रोक सकता, आपके घर के लोग आपको नहीं रोक सकते, आपके परिवार के लोग आपको गलत काम से नहीं रोक सकते, खुद को खुद के गलत काम से रोकना पड़ेगा, तब जाकर जीवन सार्थक होगा, दूसरा नहीं रोक सकते। आप कितना ही प्रयास, दूसरा नहीं, मुश्किल है दूसरा करो। ताली बोलो जम के, थाली और प्याली, ये बर्बाद करने वाले, बर्बाद तुम्हारे वैभव सत्ता धन दौलत संपदा के नीत, उसके बाद में तुम्हें धक्का देने वाले यही रहेंगे, यही कोई दूसरा धक्का नहीं देगा, कर तुम्हें पटकने वाले वाले थोड़ा बच्चा। इंद्र को ले जाकर शिवजी को हटाने में कुबेर ने कहा, कुबेर स्वयं शंकर भगवान के चरणों में बैठ गए। इंद्र का शरीर जल रहा है, ज्योति शरीर के अंदर जा रही है, तप पड़ रहा है, शरीर जल रहा है, इंद्र भागे देवर्षि नारद के पास गए, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, तूने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव की शरणागति में जा, अगर वहां जाता हूं तो भोलेनाथ मुझे भस्म कर देंगे, ज्योति मुझे भस्म कर देगी, मैं क्या करूं? तो एक काम कर, बालू का शिवलिंग बना और एक लोटा जल चढ़ा दे, अभी की अभी चढ़ा, तेरा शरीर का ताप चले जाएगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, आशुतोष महापुराण की कथा कर रही है, जब तुम्हारा हृदय चित्त बुद्धि मन खराब हो, जब दिल में कहीं चोट लग गई हो, मन में कहीं चोट लग गई हो, सब बुरा सा बुरा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि आज बहुत बुरा लग रहा है, तब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर चले जाना, चढ़ाना,
सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोलबम का नारा है, केवल बाबा का सहारा लेकर उसकी शरण के चरणों में जाओ। चढ़ाया जल, इंद्र कह रहे हैं कि मैं जल चढ़ाऊंगा, शिव क्रोध तो नहीं करेंगे। अरे जल चढ़ाने से क्रोध समाप्त हो जाता है, चढ़ा जा। जो जल चढ़ाया शिवलिंग के ऊपर, देवर शंकर भगवान आशुतोष हैं, शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर इंद्र के पास गए, कहा तू चिंता मत कर, तेरे मित्रों के कारण तूने गलती कर दी थी, नहीं तो तू ऐसी गलती नहीं कर पाता। कई लोग दूसरे के कहने में गलती कर देते हैं, दूसरे के कहने में कमेंट्स कर देते हैं, दूसरे के कहने में कुछ भी लिख कर डाल देते हैं, दूसरे के कहने में अपशब्द करने में, दूसरे के कहने में बर्बाद हो जाते हैं। जो दूसरे का कहना मानता है, घर के माता पिता का कहना नहीं मानता, एक ना एक दिन वो बर्बाद की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। दूसरे तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, केवल एक माता पिता ऐसे होते हैं, घर का व्यक्ति ऐसा होता है, माता पिता ऐसे होते हैं जो तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए जितना तुम दूसरे का कहना मानते हो, उससे अगर आधा भी तुम अपने माता पिता का कहना मान लोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी, निश्चित सार्थकता। शिव महापुराण की कथा का आनंद करते हुए देव अधिदेव महादेव